बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉली टीवी। आज की बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एसएनजी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन जी एजेंडा मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया, लेकिन सरकारी मलाजमीन का जो एहतजाज था वो रंग ना ला सका। इससे पहले बताता चलूँ कि एपका की तरफ से एक बड़ा एहतजाज, उसके बाद अगीगा की तरफ से भी भरपूर एहतजाज और धरना दिया गया। उसके बाद हुकूमत ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसके मुताबिक 15% डिस्पैरिटी अलाउंस वफाकी तर्ज पर रनिंग बेसिक पेपर दिया जाएगा, लेकिन उसके हवाले से बताता चलूं कि आज 52 एजेंडा जो कल मंजूरी के लिए पेश किया जाना था, सरकारी मुलाजमीन को बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि पहले ही एजेंडे में सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को हल किया जाएगा और 15% जो कि हुकूमत की तरफ से डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में प्रेस रिलीज जारी की गई वो एजेंडे में जरूर रखी जाएगी और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जब ये एजेंडा सामने आया तो तमाम सरकारी मुलाज़मीन इनको इंतहाई जो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, उनके जो अरमां थे वो आंसुओं में बह गए और एजेंडे में कहीं भी 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का जिक्र ना मिला। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि कल एक बड़ा इजलास होने वाला है कि जिसमें बाकी तमाम चीज़ें, जिसमें रिव्यू ऑफ द लोकल गवर्नमेंट और इसके अलावा रमज़ान पैकेज और दूसरे बहुत ज़्यादा अहम जो इकदाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करने जा रही है, लेकिन 15% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से इसमें कोई ऐसी खबर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।